2025 के लिए नहीं 2023 के लिए तैयार है क्या? तैयार है? तो कैसे तैयार होना चाहिए? एक ऐसी चीज जो जिंदगी में आपको टारगेट करनी चाहिए, एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना चाहिए जो आपको 2023 नहीं 2025 के बाद के जिंदगी के लिए भी तैयार करे। हम तैयार हो जाएंगे? आज देखेंगे कि अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिवॉल्यूशन है, वो कैसे करेंगे। एक चीज है मॉन्क मोड। आपने किसी ने सुना है मॉन्क मोड? ये नाम सुना है किसी ने? मॉन्क मोड सुना है? सिर्फ एक दो बच्चियां कह रही है कि सुना है। एक उपासना है, एक ऐसी चीज है कि खुद को तैयार करना है किस चीज के लिए, कुछ चीज पाने के लिए। अगर आपके जीवन से उद्देश्य निकाला जाए, पर्पस को निकाला दिया जाए, आपके जीवन से फोकस को निकाल दिया जाए, आपके जीवन में से डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए, तो आपका जीवन कैसे होगा? आसान रहेगा क्या? आसान रहेगा? पूरा उसका मजा निकल जाएगा। इट विल गो एज अ मीनिंगलेस। उसकी मजा, जो जीवन जीने का जो मजा है, वो ही उससे निकल जाएगा। और ऐसा जीवन जो मीनिंगलेस है, वो क्या होगा? आपका उससे कंट्रोल निकल जाएगा। तो जो जीवन आप जीना चाहते हैं, वो आसानी से जी पाओगे? नहीं। एक मीनिंगलेस, एक दुख भरा, एक संकट भरा, एक दुर्लक्षित जीवन जीना पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसा जीवन? कौन लोग चाहते हैं ऐसा जीवन? मीनिंगलेस कोई जीवन जीना चाहता है? नहीं चाहता है। कोई चीजें है जो हमको तकलीफ देती है, हमारी आदतें। हम कहते हैं कि आदतें सुधारो और जीवन सुधर जाएगा, लेकिन हम आदतों से बाज नहीं आते। बराबर है? अगर ये कुछ चीजें हमने चेंज की, उसमें बदलाव लाया, कुछ चेंजेस लाया, तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। हमारा जो सपना है, लाइफ चेंज करो, जो अगर आदतें हमने नहीं चेंज की, तो क्या होगा? हमारे जो सपने हैं, वो भी रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाएंगे। हम कुछ सोचेंगे, हम कुछ चाहेंगे, लेकिन अगर आदतें नहीं बदली है, गलत आदतें हैं, गलत शरीर है, गलत विचार है, तो अपने सपने भी इस रेत की मिट्टी जैसे हाथ से क्या होते जाएंगे? फिसलते जाएंगे। जो 95% चल रहे हैं, 100 लोग चल रहे हैं, उसमें से 95% एक जगह पे चल रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। एक उद्देश्य से नहीं जीवन जी रहे। हम आए हैं जीवन में, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जो 5% लोग हैं, वो कुछ एक उद्देश्य से जीते हैं, और आज उनको हम टाटा अंबानी बिरला के नाम से जानते हैं। क्या आपको आपकी आने वाली जनरेशन जाने, इसलिए आपका जीवन है? आप चाहते हो आपकी आगे वाली जनरेशन आपको पहचाने? नहीं तो दादाजी का नाम भी भूल जाते, परदादा का तो पता ही नहीं। तो वो जो 5% है, वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। एक है प्रॉब्लम और एक है सॉल्यूशन। क्या चाहते हो? प्रॉब्लम में रहना चाहते हो या सॉल्यूशन में? कहां पे रहना चाहते हो? आज प्रॉब्लम में हो, लेकिन सॉल्यूशन आपके पास है, और हम सॉल्यूशन के लिए काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जो एक रास्ता जाता है, वो जाता है 5% के लिए। एक जो विजन के लिए, एक कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, एक अस्तित्व के लिए जो रास्ता जाता है, वो अलग सा जाता है, और वो ही हम चाहेंगे कि वो रास्ता हम अपनाएंगे। 21 दिन आपके जीवन के 21 दिन देने पड़ेंगे। आसान नहीं है। जो मैं कहना चाहती हूं, आपको शायद लगेगा 21 दिन क्या है, मैं दे दूंगी, लेकिन 21 दिन आपके जीवन के आपको ऐसे जीने पड़ेंगे कि टारगेटेड लाइफ लेके जीना पड़ेगा। फिर वो 21 से 3 महीना होगा, 3 से 6 महीना होगा, 6 महीने से 1 साल भी ये मॉन्क मोड पे, तपस्या के मोड पे आप जी सकते हो। और जिस दिन जियोगे इस तपस्या के मोड पे,
आप एक अलग निखर के बाहर आओगे। चाहते हो ऐसे अलग निखर के बाहर आने को? करना चाहोगे? 21 दिन का हम चैलेंज ले लें। आज मार्च कितना तारीख है? 12 तारीख है। 21 दिन कल से अगर हम शुरुआत करेंगे तो 21वां दिन कब आता है? 3-4 तारीख के लिए 21 का दिन आता है। तब तक हम एक तपस्या करेंगे और वो तपस्या क्या है हम देखते हैं। ये जो बुरी आदत है और बाहरी दुनिया है उससे हमको कट ऑफ लेना पड़ेगा और उससे निकल के अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए हमको काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? तो जो चीजें आपको चाहिए वो आपके जीवन में बदलाव करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अपनानी पड़ेगी, उससे उसके अलावा आपका जो 21 दिन का मॉन्क मोड है, जो एक तपस्या का जीवन है, वो सही नहीं होगा और वो डिसिप्लिन में आपको चलना पड़ेगा। अगर हर सेकंड आपके जीवन का आपने ये 21 दिन को दे दिया, एक अच्छा सा जीवन, सही जीवन जिया, एक टारगेटेड जीवन तैयार किया, तो आपका हर एक सेकंड आपके साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए काम आएगा। और ये जब काम आता है और जो निखर के आप बाहर आते हो तो वो बहुत ही अलग चीज हो जाती है। सो, ये जो 21 दिन आप शुरू करने वाले हो, इसके लिए आपको कुछ फॉलोअप करने पड़ेंगे। ये आसान नहीं है लेकिन मजा आएगा। ये कैसे होगा? आपको फिजिकली ज्यादा डिसिप्लिन करेंगे और एक फोकस करके आपके जो सपने हैं उसके लिए आपको तैयार करेंगे। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। कोई भी चीज है, मोबाइल रहेगा तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप साड़ी कैसे पहनते हो तो उसका भी एक तरीका है, बैठते हैं तो भी एक तरीका है। तो ये जो मोड है उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल, मतलब एक चीज आपको, नियम फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? तो पहले तो सेट योर ड्रीम लाइफ, मतलब आपका एक सपना वाला जीवन विचार करने को शुरू कर दो कि मैं ये जीवन जीना चाहता हूं। जब आप विचार करना शुरू करोगे तभी वो जीवन जी पाओगे। एक नाइटमेयर का लाइफ, मतलब जो जीवन आप नहीं चाहते हो, क्या उसका विचार करोगे आप? तो आप कौन सा विचार करोगे? जो एक ड्रीम लाइफ, एक डिजाइन लाइफ है, उसके लिए आपको विचार करना जरूरी है कि मैं मेरा जीवन इस तरह जीना चाहता हूं, खुशहाल, आनंदी और बहुत मजे से जीना पसंद करूंगा। उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है कि दिन भर का आपका शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि आपका दिन भर का जो शेड्यूल होगा उसका ही रिजल्ट, उसका ही आउटपुट आपका जो 21 दिन का जो माउंट मोड रहेगा उसका वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एक रास्ता जो है, जो एक आइडियल लाइफस्टाइल हम चाहते, जीवन शैली चाहते, कोई भी किसी को भी पूछा तो वो कैसे बनना चाहता है? अमीर बनना चाहता है। और जो नामचीन अमीर लोग हैं वो कौन है? डाटा बिरला। लेकिन अगर उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे ना, उनका जीवन शैली आप कंपेयर करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा आसानी से नहीं जीते हैं वो, टफ लाइफ जीते हैं, तभी भी वो टफ रिचेस्ट पीपल होते हैं। तो एक रास्ता, जो एक आइडियल इमेजिन रोड है, जो एक राजमार्ग है, वो आपको आसान करके लेना पड़ेगा। उसमें क्या करना है? आप कितने बजे उठने वाले हो, कितना पानी पीने वाले हो, किससे साथ मिलने वाले हो, किसके साथ उठने वाले हो, किसके साथ पिक्चर जाने वाले हो, किसके साथ खाना खाने वाले हो, कितना घंटा आप काम करने वाले हो, कितने घंटे आप प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हो, सब चीज को एक पेपर पे आपको लिख के लेना पड़ेगा। इट इज लाइक प्लानिंग योर नेक्स्ट डे। कल का दिन आपका जो है वो आज आपको डिजाइन करके लेना पड़ेगा, ताकि आपका एक डिजाइन लाइफस्टाइल आपको आराम से मिल सकता है। एक नाइटमेयर लाइफ में क्या होता है? तो कभी भी आना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, जैसे आए वैसे चले गए, कोई आपको याद नहीं करेगा। ऐसा जीवन जीना चाहते है? कोई नहीं जीना चाहता है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट हमको बहुत लेना पड़ेगा। एक तो आपको एक डिजाइन लाइफ जीना है,
डिफॉल्ट लाइफ जीना है या एवरेज लाइफ जीना है, आपके पास चॉइस है। आपका लाइफ डिजाइन करके जिए ताकि आज की और कल की पीढ़ी आपको याद करे, या तो आए गए किसी को पता नहीं चला ऐसे, या तो वो कीड़ों मकोड़ों का, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, एक एवरेज लाइफ चल रहा है ना, चल ले दो, आज आया कल भी वैसे ही जाएगा। तीन चॉइस है, लेकिन एवरेज लाइफ में नहीं पढ़ना है हमको, डिजाइन लाइफ चाहिए। सबको डिजाइन लाइफ चाहिए? कितने लोगों को डिजाइन लाइफ चाहिए? एक लाइफ स्टाइल चाहिए? एक हाथ मुझे पसंद नहीं आता है, दो हाथ ऊपर जाते हैं ना तो वो सुनता है और तथास्तु बोलता है। दोनों हाथ ऊपर, सब रेडी, वेरी गुड। सो एक टर्निंग पॉइंट लेंगे डिजाइन लाइफ के लिए। सो पहले आपको क्या करना है, लीव योर डिजाइन लाइफ, नॉट योर डिफॉल्ट लाइफ। तो यहां पे बहुत जरूरी है वो आपका एक्शन, आपके विचारों से आप एक्शन करते हो या आपके फीलिंग से आप एक्शन करते हो, दोनों में बहुत फर्क है। आपका रिप्लाई या आपका रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी है। कोई आपके पास आता है कुछ लेके तो तुरंत हम झटकर से ना बोल देते, वैसे मत करो, आप समझो उस चीज को, सच्ची काम में आने वाला है तो अच्छे से रिस्पॉन्स देके आपको वो एक्शन करना पड़ेगा। दिमाग से विचार करके आपको एक्शन करनी पड़ेगी, ना कि दिल से, क्योंकि बहुत बार जब हम दिमाग से एक्शन करते हैं तो एक लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हैं। आर यू रेडी टेक ऑफ के लिए? कितने हाथ टेक ऑफ के लिए रेडी है, दिखा दो आपको। सबने बेल्ट बांध लिए? सबके सीट तैयार है? चलो टेक ऑफ करेंगे। क्या करना है? तो तीन चीजें अननेगोशिएबल है, आपको उसको हटाना नहीं है, आपको उसको जिंदगी में बिठा के ही रखना है। और वो तीन चीजें आपके बहुत मायने रखती है आपके शरीर और आत्मा के मजबूती के लिए। पहली चीज है 30 मिनट्स मेडिटेशन। कितने लोग हैं जीवन के एक दिन के 30 मिनट खुद के मेडिटेशन के लिए लगाते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? 30 मिनट्स, एक हाथ नहीं रह जाता है, हमको चाहिए दो हाथों से। आप 30 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, एवरीवन इज गिविंग, ऊपर वाला 30 मिनट्स आपके साथ रहता है और आप उसके साथ रहते हो। एक पायदान हो गई। दूसरी पायदान है एक्सरसाइज, प्राणायाम। कितने लोग करते हैं सूर्य नमस्कार? डॉक्टर ने कहा इसलिए वॉक के लिए मत जाओ। डॉक्टर साहब जब आप बोलते हो तो शिवाजी पार्क की गर्दी लग जाती है, या तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गर्दी रहती है, 16 जनवरी को सब तड़वा वर्ष पानी अस्त गुल, 16 तारीख से ढूंढना पड़ता है कौन से घर से आया था ये। जब डॉक्टर बोलते हैं तो एक्सरसाइज करते, डॉक्टर ना बोले तब आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, दैट टाइम यू आर मेकिंग योर सोल एंड द बॉडी परफेक्ट। चाहते हो मजबूत शरीर तो 30 मिनट्स एक्सरसाइज कोई भी चीज करके करो, आपके बॉडी मूवमेंट्स इंप्रूव करो, वॉक के लिए चले जाओ, कुछ भी है, आपके बच्चे के साथ खेलो, नो प्रॉब्लम, आपके बीवी को किचन में मदद करो, आपके हस्बैंड को वो जो काम कर रहे हैं उसमें मदद करो। 30 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट करेंगे, ये नेगोशिएबल नहीं है। और बच्ची ने खाया, क्या खाया किया? खाना खिलाया है ना, कैसे वाला खाना किया? आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, हर रोज नहीं चलेगा, नहीं तो वजन पे वजन काटा बढ़ता जाएगा। कभी कभार दीजिए, सब खाना अच्छा है लेकिन वो लिमिट में लेना चाहिए, पचाने की ताकत चाहिए। और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पचाने की ताकत जो है ना, तो इसमें जो ताकत है पचाने की वो बहुत बढ़िया है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो नहीं चाहिए वो निकाल के बाहर फेंकने का, और जो चाहिए, जो बैलेंस चाहिए वो अंदर रखने का जो हिम्मत है वो डॉक्टर लीन ने हमको देके रखा है। तो स्ट्रिक्ट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेगोशिएबल नहीं है। पहले मेडिटेशन 30 मिनट्स, एक्सरसाइज 30 मिनट्स, और स्ट्रिक्ट डाइट मतलब पूरा दिन प्रोटीन युक्त जो नॉर्मल खाना चाहिए घर का बना हुआ वो आपका खाना बहुत जरूरी है। बेसिक सिखा रही हूं ना,
लेकिन इसका फर्क देखिए क्या होगा. सो थ्री अननेगोशिएबल थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इज मेडिटेशन, योर एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट, खाना. क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा. आपका दिन भर का सेशन दो डीप सेशन में होना चाहिए, चार चार घंटे का, और उसमें बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है. लेकिन नो सोशल मीडिया. सोशल मीडिया से जितना लंबा रहोगे आप सुकून से रहोगे. तपस्या के वक्त ऋषि मुनि कहाँ चले जाते थे? जंगल में चले जाते थे, वहां कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहता था. तो हम जो तपस्या करने वाले 21 दिन का, वहां पे सोशल मीडिया जितना कम यूज करोगे, जो जरूरी है वो ही यूज करना है, बाकी तो सबको आपको कट डाउन करना है. आपको 100% यूजर बनना है किस चीज का? डीएक्सिन प्रोडक्ट का. 21 दिन में क्या करेंगे? 100%. कितने लोग 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? सुबह से रात तक खुद के लिए तालियां होनी चाहिए. यूजर मतलब सुबह से शाम तक जो भी है डीएक्सएन का उपलब्ध है वो हम सिर्फ डीएक्सएन का यूज करेंगे. 100% यूजर बनेंगे और अपना महीने भर का जो पीली है, मतलब क्या है, जरूरी है स्टेटस के लिए, बिजनेस में टिके रहने के लिए, या तो बिजनेस में वाउचर लेने के लिए, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए जो 3000 पीली है, उसके लिए हर रोज एक या दो व्यक्ति को आपके बिजनेस के बारे में. डीएक्सएल ये प्योर बिजनेस है तो मैं शब्द ही यूज करूंगी. अपने बिजनेस के लिए अपने जो अच्छे हेल्थ रूल्स है वो दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए दिन में एक से दो बिजनेस प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, वो भी प्यार से. ये बिजनेस प्लान है वो भी दिखा सकते हो, या तो थोड़ा सा अलग हिसाब से उसको चाय पिला के, उसको कॉफी पिला के, लेमन से पिला के भी उसको ये गेम में ला सकते हो. पूरा दिन भर में अगर आपने 200 पीली किए, कैलकुलेट कीजिए, अगर एक से दो लोग व्यक्ति के साथ आपने बात की, उसकी चाय कॉफी या उसका जो भी डाइट है उसका थोड़ा सा आपने ब्रांड चेंज करके या मॉड्यूलेशन किया, तो दिन भर में 200 पीवी आप जनरेट कर सकते हो. महीने भर में 1000 पीवी आराम से जनरेट हो सकता है. जो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास सब है तो उसमें से 200 पीवी दिन भर में बहुत नॉमिनल है. 21 दिन ये तपस्या है, 21 दिन हम ये जरूर करेंगे. क्या तैयार है आप? yes. सिर्फ हाँ हाँ बोल रहे कि सच्ची तैयार है? इक्कीस दिन का टारगेट है, मैं पूछने वाली हूँ सबका नाम लेके. और सबको कैसे जाना है? 35. अगर ऊपर वाले ने भी महीने का 30 दिन दिया है, कितना दिन दिया आपको ऊपर वाले ने? महीने का 30 दिन दिया है, तो अपने लिए भी 30 लोग हम जनरेट कर सकते हैं, 30 लोगों तक पहुंच सकते हैं, 30 लोगों का लाइफस्टाइल हम अपग्रेड कर सकते हैं, जरूर करेंगे. और उसके साथ हम जितने भी है 30 लोग, उसके नीचे भी 36 जो भी आपको लगता है कि उनको भी बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे. जो कंज्यूमर्स है, जो यूजर्स है, मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के घर में दुख है या सुख है तो सोप यूज करते हैं कि नहीं यूज करते? दुख में भी यूज होता है और सुख में भी यूज होता है. ब्रश करते हैं दुख में सुख में? ब्रेकअप हुआ तो भी करते हैं ना? yes. कब ब्रेकअप हुआ तो ब्रश नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है ना? कितनी हंसती है वक्ति लेकर. पॉसिबल है, कुछ भी हो आपको पर्सनल हाइजीन रखना ही है, आपका न्यूट्रिशन बराबर रखना ही है ताकि आपका जीवन आगे बढ़ सके. इसलिए जो भी प्रोडक्ट डॉक्टर लिन जी ने हमको दिए हैं वो डेली यूजिंग प्रोडक्ट्स है, और उससे हमको हमारे जैसे विजन वाले, कैसे लोग चाहिए? हमारे जैसे विजन वाले जो चाहते हैं कि लाइफ का स्तर कैसे हो, एक अपग्रेड हो, अच्छा सपना देखने वाले 20 लोग हमको ढूंढते रहने हैं, मतलब 20 कंज्यूमर्स. कितने लोग प्लान शोअर है? अभी बिजनेस प्लान बोले खड़े हो जाइए ना प्लीज, क्योंकि ये 5% लोग है. 100 में से 5% लोग है जो बिजनेस दिखाते हैं, खड़े हो जाइए, क्योंकि ये बहुत अलग, ये ग्रीन प्लानों से, ये
अलग जीवन जीने वाले लोग हैं। ये 100 लोग नहीं होंगे, ये 100 में से सिर्फ 5 लोग होंगे। ताली होनी चाहिए इन लोगों के लिए। थैंक यू। ये क्योंकि आपने जो सपना चुना है, आपने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय आपने बिजनेस देख के लिया है। आपके साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं, वो भी आपका बिजनेस प्लान देख के ही आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो बिजनेस प्लान श्योर होना बहुत जरूरी है। चाहिए तो उसके लिए कैंप, शिविर, जो भी सेशंस है, मैं सिद्धि के हिसाब से तो विनती करूंगी, वो लेना शुरू कर दीजिए। जितने लोग प्लान श्योर होंगे, जितने लोग प्लान दिखाना चाहें, शुरू करना चाहेंगे, उतने लोग हमारे पास बढ़ते जाएंगे। शायद नेक्स्ट मीटिंग और बड़े हॉल में हो सकती है। लर्निंग इज लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है। 1 अक्टूबर 2023 से 5G जाएंगे। जीवन फास्टेस्ट होगा, बहुत फास्टेस्ट होगा। हर 6 महीने को कुछ तो चेंज आएगा, और उस चेंज के साथ बढ़ने के लिए वो ही टिकेगा जो हर 6 महीना खुद को अपग्रेड करेगा। एंड लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लर्निंग, लर्निंग इज लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो भी बनना है, पढ़ना है, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, कोई और आपको पढ़ाने को नहीं आएगा। आज ये मीटिंग में अगर कोई दूसरा बैठता तो आप ये अच्छा सेशन नहीं सुन पाते। आपको खुद आए हो तो ये लर्निंग सेशन आपके लिए खुल गया। ऐसे ही लर्निंग सेशन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। आज खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। कितने लोग रीडिंग करते हैं, वाचशील तो वाचशील, तिकड़े आहे वाचशील तो वाचशील, ये एक स्टेटमेंट है। मतलब जितना पढ़ोगे तो उतना बढ़ोगे, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी बुक है, आपकी स्पिरिचुअल बुक रहेगी, आपका कोई मोटिवेशन बुक रहेगा, कोई लोग जो आपको इंस्पायर करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, कुछ अलग सीखने के लिए मदद करता है, वो बुक रात को पढ़ के भी आपको सोना है। कितने लोग रात को 2 पेजेस पढ़ के सो जाते हैं, ऐसे कोई लोग है? क्या बात है, तालियां होनी चाहिए लोगों के लिए। आज तक जिन्होंने मॉन्क मोड यूज किया है, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने उस तपस्या का आनंद लिया है, ऐसे हमारे पास दिग्गज है। खुशबू कुमारी पता है बिहार से, कहां से, यूपी से है क्या, बिहार से सुनाई नहीं दिया? बहुत है, बिहार से है। देखो इतनी महिलाएं मुंबई में बैठी है, लेकिन बिहार की बच्ची को जानती है। इसका मतलब इसने तपस्या अच्छे से की है, ताकि इतने किलोमीटर को भी उसको पहचाना जाता है। मैडम कहां से, सीमा रानी मैडम, इनका स्टेटस पता है आपको? क्या है, क्या है, वेरी गुड। और ये कहां से है, उत्तरांचल से है, बॉर्डर से। इनको तो हम पहचानते हैं कि नहीं, पता नहीं है, धर्मशिला मैडम है। ये कहां से आई है, बिहार से आई है। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। केवल खुद का जीवन नहीं बदला, जब जब मैंने उनको सुना है ना, 10 बजे तपस्या क्या होती है ना, मॉन्क मोड क्या होता है ना, 10 बजे अपने घर में ही पाठशाला लगा देती है। जहां पे बर्फ की फैक्ट्री जमती थी, आज डॉक्टर वहां उस फैक्ट्री, सॉरी, आज डायमंड्स उस फैक्ट्री से निकल रहे। जहां बर्फ जमने वाला था वहां से डायमंड्स निकल रहे, लाखों पति करोड़ों पति वहां से निकल रहे। तपस्या वो होती है, सुबह से शाम तक आज और कल जो आप करोगे उससे भी आपका सपना पूरा होगा। इसलिए इनके लिए बहुत बढ़िया तालियां होनी चाहिए। केवल खुद का नहीं तो पूरे बिहार के महिलाओं का जीवन बदलने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इन माता जी को आप जानते हो, खड़े होकर तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर मिसेस रत्ना वसुपाल मैडम, जो हमारी जर्नी है डीएक्सएम में, जिन्होंने डीएक्सएम में हमको जन्म दिया है, आज एक
नीचे तरह लेडी है कि जिन्होंने अपना एमबीबीएस इतनी डिग्री ली थी, इनका स्टेटस छोड़ के हमारे स्टेटस के लिए वो काम करी है, हमारे स्टेटस के लिए वो काम करी है, इसको तपस्या कहते हैं। जीवन अर्पण कर दिया उन्होंने। अगर वो सिर्फ डॉक्टर की करती बैठती ना तो पेशेंट ठीक हो जाते थे, लेकिन हेल्थ के लिए उन्होंने काम किया, वेलनेस के लिए उन्होंने काम किया। आज फार्मास्यूटिकल्स भी न्यूट्रोसिटिकल्स हो रही है, जाग जाओ, रिवॉल्यूशन आपके दरवाजे तक नहीं, आपके किचन तक पहुंच गया है। जब जागोगे तो शायद लेट हो जाएगा, लेकिन आज जब जागो तो 6-7 महीने आपके हाथ में है। वो जो परिवार ढूंढ रहा है वेलनेस के लिए, उसको आप एक अच्छा सा सपोर्ट दे पाओगे। सो थैंक यू सो मच। एक जीवन जो एक डिफॉल्ट जीवन जिया जाता है, आए गए पता नहीं, लेकिन एक जीवन जो डिजाइन जीवन कहते हैं, मतलब मैंने तय किया कि मेरा जीवन ऐसे होना चाहिए, और उस जीवन के लिए जब मैं 21 दिन देती हूँ, 3 महीने देती हूँ, 6 महीने देती हूँ, 1 साल देती हूँ, उसकी तपस्या करती हूँ, और वो जो आनंद आता है वो एक अलग आता है। अगर आपका हेल्थ आपको इम्प्रूव करना है तो आपकी हेल्थ के लिए तपस्या करो। आपको अगर कुछ पढ़ाई में अच्छा सा करना है तो पढ़ाई के लिए तपस्या करो। अगर कल आपका फाइनेंशियल ठीक करना है तो आज आपके फाइनेंशियल को, आपको अर्थ को, आपको बराबर लाइन में लाना पड़ेगा, क्योंकि नाइटमेयर का जीवन जो है ना वो आसान नहीं है और दुख भरा है। आप विचार करो, आज जो आप कर रहे हो वही जीवन चलता रहे तो 5 साल के बाद क्या जीवन होगा? वही होगा या तो बदतर होगा। आपका एजुकेशन बराबर नहीं है, आपका हेल्थ बराबर नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बराबर नहीं है, तो 5 साल के बाद और खट्टा हो जाएगा। उससे अच्छा तो आज जाग जाओ, ताकि 5 साल के बाद आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा, आपका स्टडी भी इंप्रूव होगा, एजुकेशनल भी होगा, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी किधर जाके बैठेगा? क्राउन एम्बेसडर तक। वो फ्रीडम, वो आजादी, वो अस्तित्व जो आप चाहते हो आज के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियां जो आपको याद रखे, नहीं तो आया गया पता नहीं चला। कथा सुनना चाहोगे? मुझे लगा सामने से पूछोगे आज कथा नहीं है क्या। कथा सुनना चाहोगे? कितने लोग कथा सुनना चाहते? मैं तो मैं बैठ जाती हूँ। चाहते हैं तो खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। न्योता आता है ना बाजू वाले के पास तो अपने कान लग जाते हैं। मेरे घर पे भी आए करते हैं देने को, सबके यहाँ होता है। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, बाजू वाले का दरवाजा खटखटाया तो मेरा कान लगा रहता है कि मेरे इधर भी वो न्योता आएगा। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। हम चाहते हैं जो अच्छापन बाजू वाले को मिला वो मुझे भी मिलना चाहिए। वैसे ही वैकुंठ में हमेशा रासलीला चलती थी, और उस रासलीला में सबको न्योता जाता था, लेकिन एक जगह में न्योता नहीं जाता था, वो है कैलाश पर्वत, जहां पे मुकुटधारी जटधारी बैठते थे। वो कहां जाएंगे रासलीला में? लेकिन उनकी पत्नी पार्वती को बहुत इच्छा थी कि वो जाए वैकुंठ में, वो रासलीला देखे, वो एंजॉयमेंट वो देखे। और वो विष्णु जी की बहुत अच्छी भक्त थी, और गुरु तो अपने शिष्य को तो पहचानता है। उन्होंने उनके मन की लालसा जान ली कि इनको रासलीला में आना है। तो विष्णु जी खुद कैलाश पर्वत पे शंकर जी को, महादेव को न्योता देने गए कि आप रासलीला के लिए वैकुंठ पे आ जाइए। जब वो न्योता दे रहे थे तब उन्होंने, विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, जरा ढंग से आइएगा। क्या कहा? उनके बाजू में दुर्गा अवतार गौरी बैठी थी। न्योता तो आया, लेकिन यहां पे क्या हुआ है? ढंग से आने को बोला। लगा इधर? हाँ, इधर लगा ना, फीलिंग्स इधर लगा, लेकिन इधर से एक्शन लिया। किधर से एक्शन लिया? इधर से एक्शन लिया, इधर से एक्शन लिया।
रासलीला में तो जाना चाहती हूँ, जाना तो है, देखना है क्या होता है, लेकिन मेरे पति के स्टेटस का सवाल हो गया, पति के स्टेटस का सवाल हो गया। वहां पे महादेव जी ऐसे वैरागी वेश में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि रासलीला में तो अच्छा कपड़ा गहना सब जितना अच्छा लगा के जा सकते हो वो मोहिनी अवतार में जाना ही पड़ता है। बच्ची ने कहा ना, जितना सुंदर होके जाना चाहते हो वैसे सुंदर होके उस रासलीला में जाना है। अभी फीलिंग इधर है लेकिन एक्शन किधर है? विचार से एक्शन। रासलीला का न्योता ले लिया, अभी पार्वती जी सोच रही है रासलीला जाना है लेकिन इस पति को लेके जाना है, क्योंकि जोड़ी के सिवा रासलीला में एंट्री नहीं है, कपल है इधर कोई? तो अभी नेक्स्ट टाइम में सिर्फ जोड़ी अलाउड होगी। सारंग सब किधर गए? तो वो पहले उठ के खड़े हो जाते थे, तो वहां पे जोड़ी से जाना है। और जब तक पति घर से नहीं निकला तब तक पत्नी पीछे से नहीं निकलेगी। अभी इस बार रासलीला के लिए सब देव देवता भी आ गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो रासलीला में नहीं आता था वो इस बार आने वाला है। मोहिनी तो अपने अवतार में एकदम तैयार खड़ी थी, क्योंकि रासलीला तो वैकुंठ में होना था, और इस बार ऐसा न्योता गया था कि जो स्टेटस का कोई देव देवता है, महादेव जी और पार्वती। जैसे ही रासलीला शुरू हो गई, लोग देव देवता आने को शुरू हो गए, एक कपल, एक जो जोड़ी है वो वहां पे एंट्री की, वहां पे प्रवेश की। जैसे उस जोड़ी ने प्रवेश किया, कामदेव था वहां पे, वहां पे मोहिनी अवतार में खुद विष्णु जी थे, अपना नाच छोड़ के, अपना रास छोड़ के उस जोड़ी को देखने लगे। और जैसे वो रास होने लगा, मतलब नाचना होने लगा, वो अपना नाच भूल के दंग होके उस जोड़ी को देखने लगे। वो जोड़ी कौन थी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो जोड़ी कौन थी? कोई आंसर देना चाहता है? हाँ, पार्वती शंकर भगवान, लेकिन एक रूप में आए थे, क्योंकि ऐसे बैरागी लेके नहीं जा सकते, तो एक रूप में आए थे। वो क्या रूप था? कोई कहना चाहता है? भरतनाट्यम में एक मूर्ति रहती है जिसको पहला नृत्य का अर्पण किया जाता है, अर्धनारी नटेश्वर, जो मोहिनी अवतार है, कामदेव है, वो भी दंग हो गए उस अर्धनारी नटेश्वर का रूप देख के। शरीर तो महादेव का था लेकिन आत्मा पार्वती जी की थी। वुमन एम्पावरमेंट इसको कहते हैं। जब पारी घर पे आ जाती है तब औरत खड़ी हो जाती है, दिल से नहीं डिसीजन लेती, एक्शन लेती है, दिमाग से एक्शन लेती है, तब ये जो महिलाएं हैं बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से है, जो जीवन इन्होंने अपने पतियों का बदला, अपने समाज का बदला, आज मुंबई में बैठ के भी हम इनको जानते हैं। बनना चाहते हो वैसा? मजबूत बनना चाहते हैं? मॉन्क मोड के लिए तैयार है? तपस्या के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? 21 दिन करेंगे, 3 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे, आसान नहीं है। खुद के लिए कीजिएगा, परिवार के लिए कीजिएगा, और आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए कीजिएगा। महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ ऐसे सेशंस नहीं, मैं अर्धधारी नटेश्वर का इसलिए प्रमाण दी क्योंकि अगर शरीर पुरुष का है तो आत्मा स्त्री की है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना कोई IoT